भारतीय वायुदलाने 26 फेब्रुवारी रोजी केलेले सर्जिकल स्ट्राईक 2 नाशिक रोड परिसरात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान दहशतवाद्यांकडून करण्यात आलेल्या भ्याड हल्ल्याचे भारतीय वायुदलाने चोख प्रत्युत्तर दिल्याची बातमी कळताच संपूर्ण भारतात एकच जल्लोष बघायला मिळाला. दरम्यान नाशिक रोड परिसरात असलेल्या गंधर्व चौकात अनेक युवकांनी एकत्रित येत फटाके फोडून आणि एकमेकांना पेढे भरवून आनंदोत्सव साजरा केला. यावेळी साई एकता फाउंडेशनचे संग्राम फडके यांनी भारत मातेच्या प्रतिमेचे पूजन केले, तर कारगिल युद्धात कामगिरी बजावलेले नायक दीपचंद प्रख्यात यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. आज हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे, सभी आदमियों ने श्रद्धांजलि दी थी और तय दिल से दी थी, क्योंकि सबके दिल दुखी थे. आज उसका बदला ले लिया है और आज उसी खुशी में आप लोग सभी पटाखे फोड़ रहे हो. ये हमारी इंडियन आर्मी, जो तीनों सेनाएं हैं, ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश था कि हमारी सेनाएं कमज़ोर नहीं हैं. हम अभी 21वीं सदी का भारत है. कोई भी हमारी सेना की तरफ या हमारे नागरिकों की तरफ देखेगा तो पहले वाला टाइम चला गया कि हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे. आज हम बॉर्डर क्रॉस भी करेंगे और उनके घर पर ठोक के भी आएंगे और सही सलामत वापस भी आएंगे. दरम्यान दीपक आचार्य, श्रीकांत कातकाडे, रिंकू बेड, योगेश थेटे, अक्षय एडके, प्रशांत जोशी, बोहरे काका, महेश जाधव, सुरेश कुलकर्णी, राजू शिंदे आदी उपस्थित होते. यावेळी भारत माता की जय, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद यांसह अनेक घोषणांनी संपूर्ण परिसर निनादून निघाला. रवींद्र जाधव, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक.